एक कथा क्या है, कथा है श्री माने लक्ष्मी जी, जो श्री शब्द अपने जीवन में सुन करके धारण कर लेता है, सिर्फ सुनना नहीं। और महाराज अगर सुन करके आपने इधर से सुना इधर से बाहर कर दिया तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। सुन करके जो जीवन में प्रवेश करता है उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। और जहां लक्ष्मी की कमी ना हो महाराज तो फिर वहां ना लड़ाई होती है, ना झगड़ा है, ना ईर्षा है, ना द्वेष है, ना भाव है, कुछ कुछ है ही है। क्योंकि सारा झंझट संसार में सब लक्ष्मी की वजह से। तो श्री शब्द हमारे सुनने से हमारे जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। अब मद क्या है परीक्षित महाराज, मद क्या है? हम कहते हैं कि उसे अपनी चीज का बड़ा मद हो गया। मद माने अहंकार, अभिमान, लोभ, गर्व, गुमान। और जो मद शब्द धारण करता है उसके शरीर से अहंकार, गुमान, गर्व सारे दूर हो जाते हैं। सारे सब कुछ कपट, छल, अहंकार, ईर्षा, द्वेष भाव, ये सारी चीजें शरीर से नष्ट हो जाती है। और जब इस शरीर से अहंकार, गुमान, गर्व चला जाएगा तो ये मन कैसा हो जाएगा, मन कैसा हो जाएगा महाराज? जिस मन में छल कपट ना हो वो मन कैसा हो जाता है? निर्मल और सुंदर। और अगर मन निर्मल हो जाए तो प्रभु मन भी किसको प्यारा लगता है? ए? भगवान कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है कि निर्मल मन सुन लेने से हमारे जीवन का तरण तारण हो जाता है। यही क्या है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। महापुराण क्यों है महाराज? सभी पुराणों से महान है ये। इस भागवत में प्रथम श्लोक कह रहा है सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्यादि है। सत, चित और आनंद मिलकर के बना क्या? सच्चिदानंद। और जहां सत्य है, देखो पहला शब्द कहां से शुरू हुआ? सत्य से। यानी प्रथम श्लोक में सारी बातें लिख दी। तो सत्य जीवन में हमारे क्या है? अच्छा ये बताइए महाराज, परीक्षित महाराज, हमारे जीवन में क्या ऐसी चीज है जो सत्य है? कौन सी चीजें सत्य हैं? बताओ। वैसे तो सारा संसार सत्य ही लग रहा है कि सब सत्य है, ये अपना है, ये ऐसा लगता है कि सब ये साथ में लेके जाएंगे। तो ये बताइए कि सत्य क्या है हमारे जीवन का? ए? हमारे जीवन की दो सत्य है। क्या सत्य है? एक हमारे प्रभु का नाम सत्य है, एक राम का नाम सत्य है। और दूसरा जिस समय ये बोला जाता है, क्या बोला जाता है? राम राम। ये दो चीज हमारे जीवन की सत्य है। और भगवान कहते हैं देख भैया,
तू एक बार हमें भूल जा तो काम चलेगा, पर जिस समय ये बोला जाता है वो वक्त मत भूल, क्योंकि वो तेरे जीवन की अकाट छत सकते हैं। आया है तो एक दिन जाना जरूर है।